हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। क्या हाल है भाई, कैसे आप लोग? मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फर्स्ट स्टडी स्टूडियोज विच इज अपार्टमेंट अकेडमी। तो आज सैटरडे को शाम के 6 बजे आप जुड़ चुके हमारे साथ, जहां आज एग्जाम रिव्यू ने एग्जाम एनालिसिस। तो आज भी सवाल आपके बिल्कुल आसान आए हैं, बिल्कुल आसान सवाल, कोई चेंजेस नहीं रेलवे के पैटर्न में, बिल्कुल हु बहू जैसा फेज वन में था वैसा ही फेज टू में। हमें लगा ना कि रेलवे चेंज करेगा अपने पैटर्न को, लेकिन हाँ, चेंज तो किया है पैटर्न को चेंज तो किया है, लेकिन क्या चेंज किया है उस पर देखते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है? गुड इवनिंग, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत ठंड है, बहुत, मत पूछो कितनी ठंड है नोएडा में, जबरदस्त ठंड है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है आज रेलवे में। ठीक है, देखो आगे। तो आज फर्स्ट शिफ्ट का सेकेंड शिफ्ट के सवाल तो आए हैं, लेकिन सेकेंड शिफ्ट के सवाल को मैं दिखा दूंगा कि क्या क्या सवाल है। कल सुबह 9 बजे यहीं पे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, तब आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, ठीक ना? अरे बातें समझ में। तो देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 को क्या क्या सवाल आए हैं, क्या क्या सवाल पूछा गया है। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले मैं बताऊं, जिनका सीबीटी 2 या कहीं जिनका सीबीटी 1 बहुत जबरदस्त तरीके से गया है, और जिनका बाकी है या ग्रुप डी वाले बच्चे, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ इस बैच में, जहां सब अपने आप में एक स्पेशलिस्ट देखने को मिलेंगे। जितने भी एजुकेटर आप देख रहे हो ना, बस रेफरल कोड आप यूज करिए और ज्वाइन कर दीजिए हमारे साथ अनअकैडमी में। इसके अलावा याद होगा कि कल हमने एक छोटी सी वीडियो करी थी 8 बजे, रात के 8 बजे, 8:30 बजे के आसपास। क्यों? क्योंकि सीएचएसएल का अनाउंसमेंट हुआ था रिजल्ट का। देखा कल आपने कट ऑफ सीएचएसएल का क्या गया, यूआर यानी जो जनरल कैटेगरी के हैं ना, उनकी कट ऑफ है 160, जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 160, यानी 100 सवाल में आपको 80 करने होंगे सही सही। तो इस लिहाज से जो 2021 में पेपर होंगे, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, कट ऑफ बिल्कुल हाई जाएगा। तो अपने तैयारी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करना, और ना समझ में आए तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो इस बैच पे। ठीक है भाई, देखो सवाल क्या आया है। पहला सवाल, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश के संस्थापक। तो यानी क्या मेरी आवाज ना आ रही है क्या अब तक? तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें, देखो दो तरह के, एक श्री गुप्त है ये, और एक रियल फाउंडर ये चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो ये गद्दी पर बैठता है 319 ईस्वी में, और इसने गुप्त एरा, गुप्त संवत चलाया। क्या चलाया? गुप्त संवत चलाया। एक सवाल बनेगा कि गुप्तों के सिंबल क्या थे, गुप्त वंश का सिंबल क्या था, प्रतीक क्या था? तो गरुड़। क्या था? गरुड़। क्या भाई, गुप्तों के सिंबल क्या है? गरुड़ है। ठीक है, बिल्कुल देखते चलना आगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या, कितने अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? तो अगर मैं बात करूं कब की, 26 जनवरी 1950 की, तो टोटल 444 है क्या? नहीं, कब की? 26 जनवरी 1950 की, तब यहां हो जाएगा 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स। लेकिन अगर प्रेजेंट समय की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो हमारे जो बुक में एनसीईआरटी में उल्लेखित है 395 के बदले 448, 448। अदरवाइज अगर मैं टोटल की बात करूं तो अभी 465 से ऊपर है, 465 से ऊपर है। तो आपके सामने पूरे का पूरी जिक्र है, आप देख सकते हो। क्लियर है भाई? अरे बातें समझ में। तो 395 कब? 26 जनवरी 1950 में
8 अनुसूची, अभी अनुसूची की संख्या कितनी 12। तो जब अनुसूची रहेगा तो सवाल आपके वाज और इज में रहेंगे, कैसे रहेंगे कि भाई अनुसूची की संख्या कितनी थी, तब आप 8 कहोगे और कहेगा कितनी है तो आप 12 कहोगे, क्या कहोगे 12 कहोगे, गॉट इट। आगे बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट किसके मदद से बनाया गया, देखो हूबहू सवाल कोई चेंजेस नहीं है, जो बच्चे मेरे से जुड़े होंगे शुरुआत से ना उनको पता होगा सवाल कैसे पूछे गए हैं। तो बोकारो स्टील प्लांट की बात करें, दो चीजें हैं, या तो ये स्टेट पूछेगा या तो ये स्टेट पूछा होगा पहला, दूसरा किसके मदद से बनाया गया है ये पूछा होगा। तो एक ट्रिक दिया था आपको याद होगा, बीरू भीरू राज दुबे, यानी बोकारो स्टील प्लांट किसके मदद से, रसिया के मदद से, किस राज्य में, झारखंड राज्य में, किस राज्य में, झारखंड राज्य में। अगर मैं बात करूं भिलाई की तो भिलाई ये भी किसके मदद से, रसिया के मदद से, ये कहां भिलाई बताओ, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर आप आ जाओ राउरकेला, राउरकेला जो जर्मनी के मदद से, जर्मनी के मदद से, और दुर्गापुर, दुर्गापुर किसके मदद से, ब्रिटेन के मदद से, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में और राउरकेला उड़ीसा में। अब जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि राउरकेला किस नदी के किनारे है, राउरकेला किस नदी के किनारे, जल्दी। क्लास की टाइमिंग बच्चे मंडे टू फ्राइडे 4:30 बजे 4:30 PM और सैटरडे को ओनली 6 PM, जल्दी बताओ किस नदी के किनारे राउरकेला, जल्दी। अभी तक किसी का जवाब ना आया है, अब बताओ कमेंट बॉक्स में। आईसीसी की पहली महिला रेफरी, आईसीसी की पहली महिला रेफरी, आज बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल महानदी, जिसने भी महानदी कहा वो उड़ीसा का शोक हो गया, जिसने भी महानदी कहा वो उड़ीसा का शोक हो गया, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। इसलिए कहते हैं कि हमारे स्पेशल क्लास जरूर ज्वाइन करो, स्पेशल क्लास जरूर ज्वाइन करिए, जो फायदा होगा आपको, स्पेशल क्लास जरूर ज्वाइन करिए, बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो कौन है ये आईसीसी की पहली महिला रेफरी, जीएस लक्ष्मी, कौन थी, जीएस लक्ष्मी, क्या बात है, जीएस लक्ष्मी, आया बात समझ में, जीएस लक्ष्मी, ठीक है। आगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है, अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व, बताओ कौन ऐसा सवाल है जो मैंने ना पढ़ाया आपको, हे भगवान, फिर भी बच्चा ना कहेगा कि सर आपका पढ़ाया हुआ सवाल तो आता ना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितने सवाल बनेंगे सो देखो, सबसे पहले ये देखो कि भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है, 382 भारत का। अब कहें सबसे कम की बात कर रहा है तो अरुणाचल प्रदेश कितना, 17, अरुणाचल प्रदेश 17। अगर मैं राज्य की बात करूं तो बिहार कितना, 1106। यूटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां, दिल्ली में, सबसे ज्यादा कहां, दिल्ली में। यह पूरी कहानी है, यह पूरी कहानी निकल कर आई, अरे बात समझ में। सिक्किम वालों पाप लगेगा, पाप, वर्षा, वर्षा मत बरसो, वर्षा मत बरसो, सिक्किम कहां जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य है वो। ये क्या पूछ रहा है, डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी पूछा तो मत बरसो, गलती मत बरसो बिल्कुल, ठीक है। आगे नीति आयोग की स्थापना, हे भगवान बताओ, नीति आयोग की स्थापना, सरकार भी सोच रही होगी, रेलवे भी सोच रहा होगा कि नीति आयोग की स्थापना पूछ के मत तो कहीं बच्चों के साथ मजाक तो नहीं कर रहा हूं। 1 जनवरी 2015 को जिसके अध्यक्ष पीएम होंगे,
जिसके अध्यक्ष पीएम होंगे, और सीईओ की बात करें अमिताभ कांत, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें राजीव कुमार। पहली सीईओ या पहली महिला सीईओ की बात करें सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर। अरे बात समझ में, तो कह सकते हैं कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये अंतिम पंचवर्षीय योजना साबित हुई भारत के लिए, जिसका कार्यकाल क्या था 12 से 17, क्या था 2012 से 2017, 2012 से 2017। अरे बात समझ में, 2012 से 17, ठीक है। आगे देखो, आगे भैया इसको, यूएनओ की स्थापना कब हुई, जल्दी यूएनओ की स्थापना कब की गई, यूएनओ की स्थापना जल्दी, कमेंट रुक गया, कहां कमेंट रुका है, अब सही कमेंट देखो, रुक जा बच्चे जरा, रिमोट को लगता नजर लग गई किसी की, देखो यूएनओ की बात करें समझना, 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य में, तो स्थापना कहां, हेडक्वार्टर कहां, न्यूयॉर्क इसकी 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है नेशंस ऑफ लीग या लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन जिसे क्या कहेंगे, राष्ट्र संघ, जिसे आप राष्ट्र संघ कहोगे, तब यह होगा 1920, तब होगा 1920, क्या होगा 1920, ये याद रखना, ठीक है। और स्थापना सैन फ्रांसिस्को में, मुख्यालय न्यूयॉर्क, और एंटोनियो गुटारेस महासचिव हैं, ठीक है। आगे, महाराष्ट्र और गुजरात को कब राज्य का दर्जा दिया गया, देखो महाराष्ट्र और गुजरात को कब राज्य का दर्जा दिया गया, जल्दी कब, मतलब कहने का मतलब क्या है कि महाराष्ट्र और गुजरात कब बाइफर्केट हुआ, कब अलग हुआ है, तो 1 मई 1960 को, इसलिए दोनों राज्य 1 मई को अपने स्थापना दिवस मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है। अरे बात समझ में, 1 मई 1960 को दो नए राज्य गुजरात और महाराष्ट्र, तो किससे अलग कौन हुआ है, महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे, किस आधार पे, भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे अलग होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, कौन है आंध्र प्रदेश, ठीक है, कौन है आंध्र प्रदेश, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई। आगे देखो, लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था, मजेदार, किसके बीच हुआ था लखनऊ समझौता, जल्दी देखिए किसमें कितना है दम, लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ, लखनऊ समझौता की बात करेंगे किसके बीच देखने को मिला, तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, अंबिका सर मजुमदार, अंबिका चरण
मजुमदार, जितने भी बच्चे जुड़े हैं सब लिख लो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, ये बिल्कुल करके जाएंगे। लिखो जरा कमेंट बॉक्स में, तो मैं जानू, जल्दी जल्दी लिखो कि बिल्कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक सवाल तो बिल्कुल पूछ रहा है, चाहे कोई भी शिफ्ट हो। 28 तारीख से हम यही देखते आ रहे हैं, 28 को देखा, 29 को देखा, देख रहे हो आप भी सामने हो, एक क्वेश्चन तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कॉन्फ्रेंस से है ही है, डेफिनेटली है। और आज दो, और आज दो अंबिका शरण मजुमदार, और क्या हुआ था भाई कि जो एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, एंड मॉडरेट मतलब जो गरम दल है और जो नरम दल है, दोनों आकर मिल गया, दोनों आकर मिल गया। और फिर कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों आकर मिला है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आके मिला है। तो जो बच्चे ने बताया जो सवाल, वो ऑप्शन में ये है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आकर मिली है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग आकर मिली है। जबकि ये दोनों अलग कब हुआ था, सूरत के अधिवेशन में 1907 में, जहां 1907 में रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1907 कोई ठीक नहीं है, आप लोग ना आरोप बहुत जल्दी लगाते हो, इसलिए सुधार ही दूं मैं, 1907। ठीक है भाई, आगे। सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाली भारतीय रेल, अब देखो आज से यह प्रचलन शुरू हो गया कि एक रेलवे जीके पूछने लगा, रेलवे जीके अब पूछने लगा। आपने 13 तारीख को भी देखा सेकंड शिफ्ट में रेलवे जीके से एक सवाल, और आज भी रेलवे जीके से एक सवाल। मतलब क्या है कि अब रेलवे जीके पढ़कर जाना पड़ेगा जिनका भी पेपर है। मैंने बहुत रेलवे जीके पढ़ाए हैं, बहुत रेलवे जीके पढ़ाया है, ठीक है, बहुत रेलवे जीके पढ़ाया, याद रखना, अब पढ़कर जाना पड़ेगा। तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पहली भारतीय रेलवे की बात करें, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। अरे बातें समझ में, अब जरा बता दो बच्चे कि ये कितनी दूरी तय करता है, किलोमीटर कितनी दूरी तय करता है, जल्दी क्या होगा भाई। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की विवेक एक्सप्रेस श्रृंखला की एक वीकली वीकली ट्रेन है, साप्ताहिक की एक्सप्रेस ट्रेन है, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। अगर मैं बात करूं कब शुरू की गई, किस रेल बजट, रेल मंत्री ने शुरू किया या किस रेलवे बजट में, तो विवेक एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा 2011-12 के बजट में रेलवे मंत्री, यानी पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी ने की थी। तो किस लिए, विवेकानंद की 150वीं जयंती को डेडिकेट करने के लिए। पहला सर्विस कब चला, 26 नवंबर 2011 को, 26 नवंबर 2011 को। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे, 19वें लोकसभा चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, देखो पिछले बार भी पूछा, रिपीट, कितने क्वेश्चन रिपीट किया है, तो 19वें लोकसभा चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है भाई, सिंपल सा, 543 सीटों पे इलेक्शन होता है, 543 सीटों पे इलेक्शन होता है प्रत्यक्ष। अब तो एंग्लो इंडियन भी खत्म हो गया, तो बचेंगे कितने, 543, लेकिन उसमें जो चुनाव हुआ था वो 542 पे हुआ था। अब जरा बताओ कौन सा वो लोकसभा सीट था जिस पर चुनाव नहीं हुआ था, वो कौन सा लोकसभा सीट था जिस पर चुनाव नहीं हुआ था, जल्दी बताओ। क्या डाउट है बच्चे, बताओ बताओ जल्दी बच्चे, क्या होगा। तो मैंने वही तो कहा कि 542 नहीं था, 43 लगाओ ना, किसने रोका है आपको, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, वेल्लोरी, वेल्लोर, वेल्लोर, ठीक है, वेल्लोर तमिलनाडु, जहां बहुत पैसा मिला था, बहुत पैसा, इसलिए चुनाव आयोग, ठीक है। आगे,
2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आगे बताओ। 2019 बैंकॉक में आयोजित एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? जल्दी किसने जीता है भाई? तो अमित पंघाल। किसने? अमित पंघाल ने। अब बताओ एशियन गेम जब पढ़ाए थे, सारा पढ़ाया हुआ है, देखो कि 2019 बैंकॉक में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन स्वर्ण पदक जीता? अमित पंघाल जीता है। कौन जीता भाई? अमित पंघाल जीता, याद रखना। कौन? अमित पंघाल। आगे देखो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिला के लिए सीट कहां आरक्षित है? अब बताओ, कराए हैं सवाल? ये कराए हैं? कितनी बार पढ़ाए हैं भाई, बताओ जरा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिला के लिए सीटें कहां आरक्षित है? तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में है? नहीं। राज्यसभा में है? नहीं। विधानसभा में है? नहीं। केवल और केवल पंचायत में है, पंचायत और नगर पालिका, और नगर पालिका, पंचायत और नगर पालिका में है, पंचायत और नगर पालिका में है, देख लो। वो भी कितना? तो कम से कम 33%, जो बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। और पंचायत और नगर पालिका किस सूची में है? ये तो ये राज्य सूची में है, स्टेट लिस्ट में। किसमें? स्टेट लिस्ट में, याद रखना। किसमें? स्टेट लिस्ट में, याद रखना। ठीक है भाई, आगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? जल्दी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वेयर इज केवलादेव नेशनल पार्क? देखो क्या पूछा गया, केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं जरा बताओ? केवलादेव नेशनल पार्क की बात करें, ये राजस्थान में। केवलादेव नेशनल पार्क को हम भरतपुर के नाम से जानते हैं, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान में है। कहां पे? राजस्थान में। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट सवाल। सोनार का फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ सोनार, देखिए, सोनार, रडार। और कल तो आप लोग आए ही नहीं, कल मैंने 9:05 पे 60 क्वेश्चंस कराए थे, किसके? कंप्यूटर के फुल फॉर्म, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, आप लोग आए ही नहीं। और आज भी 9:05 पे स्टैटिक जीके के वो 50 सवाल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यू कैन ज्वाइन दिस पार्टिकुलर सेशन टू डेज एट 9 PM अन अकेडमी। ठीक है भाई, तो क्या होगा फुल फॉर्म सोनार का बच्चे? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और रडार का क्या हो गया? तो रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम। देख लो, मैंने सोनार भी और रडार भी। रडार का काम क्या है ये भी आपको जानना पड़ेगा, डिटेक्ट करेगा ये। और सोनार का काम क्या है कि समुद्र में हम नेविगेट करते हैं, पता लगाते हैं चीजों को, समुद्र में नेविगेट करते हैं, पता लगाते हैं चीजों को, किससे? सोनार से। किससे? सोनार से। ठीक है, आगे देखो। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? भाई ऐसे सवाल पूछेगा बच्चे चुटकी लगा के बजाएगा, और पता है बच्चा क्या कहेगा? अरे यार जय जवान जय किसान क्यों पूछते हो, जय विज्ञान लगा दो। तो जय जवान जय किसान, सर जय विज्ञान लगा दो। चलो, मतलब रेलवे जय जवान जय किसान तक सीमित है, हमारे बच्चे जय विज्ञान तक पहुंच गए। मतलब कहने का मतलब है कि भैया सवाल थोड़े ढंग के पूछा करो, ऐसे ऐसे सवाल कटअप कहां जाएगा, बिल्कुल चढ़ेगा। तो आपको याद होगा जय जवान जय किसान की नारा 1965 में किसके द्वारा दिया गया? तो शास्त्री जी के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया, जो पहले मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं। और जय विज्ञान जोड़ दिया कौन? तो ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, भारत किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? देखो कितनी बार बिल्कुल बहुआ वाली सवाल पूछ दिया,
बिल्कुल बहुआ वाले सवाल पूछा है, तो भारत किसके साथ भूमि साझा नहीं करता है, पहले देख लो किसके साथ करता है। कई लोग एमबीए नहीं किए होंगे, कई लोगों के ख्वाब होगी एमबीए करने की, तो मैं कहता हूं बचपन में ही कर लो ना, खत्म कहानी। बचपन में एमबीए किया, बांग्लादेश भूमि सीमा, चाइना भूमि सीमा, पाकिस्तान भूमि सीमा, नेपाल भूमि सीमा, चार सिक्विंस में, फिर म्यांमार भूमि सीमा, बांग्लादेश, अच्छा भूटान भूमि सीमा, अफगानिस्तान भूमि सीमा, क्या बचा श्रीलंका, क्या बचा श्रीलंका, जिसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करेगा, जिसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करेगा। अरे बात समझ में, तो क्या करेगा वाटर बाउंड्री, वाटर बाउंड्री करेगा, क्या करेगा वाटर बाउंड्री टच करेगा। क्लियर है? मैं बताऊं, एक बार ऑफलाइन पढ़ा रहा था कुछ, तब मैंने पूछा बच्चों से, ये मतलब 2016 में जब पेपर होने थे एनटीपीसी के, पहली बार जब निकली थी लार्ज नंबर पे, तो मैंने पूछा बच्चों से, ये बताओ कि श्रीलंका इंडिया के साथ मैप में हमेशा इंक्लूड है, क्यों ऐसा इंक्लूड होता है? तो एक बच्चा कहता है सर अगर श्रीलंका का मैप ना होगा तो इंडिया डूब जाएगा समुद्र में, तो श्रीलंका का मैप ना बिल्कुल थामे रहता है। सोचो ऐसा जवाब है। एक बच्चा कहता है ऐसे ऐसे बच्चे हैं बिल्कुल महान, आई ड्रॉप बोलते हैं श्रीलंका को, भारत का टीयर ड्रॉप या आई ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है बिंदु समझना बिल्कुल, ठीक है आगे देखो। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, यानी ये समझ लो जो पप्पा हैं वो पूछ रहा है बहुत, तो सब्जेक्ट के पप्पा को याद कर लो, सब्जेक्ट के पप्पा को बिल्कुल याद कर लो, कौन कौन, चाहे आप फिजिक्स ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे हिस्ट्री ले लो, या ज्योग्राफी ले लो, अरे बातें समझ में, चाहे बॉटनी पूछा है जूलॉजी ले लो, बायोलॉजी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, रट्टा मार जा बिल्कुल, बिल्कुल रट्टा मार जाना, ठीक है। हेरोडोटस, एडम स्मिथ, अरस्तो, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल मतलब कहते हैं प्रचलन में है, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है भाई आगे देखो। शून्य मील का पत्थर केंद्र, कहां शून्य मील का पत्थर केंद्र स्थित है, कहां शून्य मील का पत्थर केंद्र स्थित है, कहां होगा, जहां आरएसएस की ऑफिस है, जहां आरएसएस की ऑफिस है नागपुर में, कहां नागपुर में, जिसे ऑरेंज सिटी कहते हैं, जिसे ऑरेंज सिटी कहते हैं, कहां नागपुर में, जहां विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम है, वीसीए विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम, विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम तो नागपुर में, कहां पर नागपुर में, ठीक है भाई याद रहेगा। तो नागपुर को हम शून्य मील का पत्थर कहते हैं, शून्य मील का पत्थर कहते हैं। अच्छा जरा बताना कमेंट बॉक्स में कि एरिया के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम क्या होगा, क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम क्या होगा, जल्दी जल्दी, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो मैं ही बता दूं कि क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नागपुर का वीसीए ग्राउंड, और अगर हम दर्शक के हिसाब से देखें तो मोटेरा जो अहमदाबाद में बना है, जो अहमदाबाद, ओए होए होए हमारे बच्चे तो बिल्कुल तेज तरार हैं भाई, क्वेश्चन तो सुन लो, मैंने क्षेत्रफल पूछा दर्शक नहीं, मतलब सवाल सुनने के साथ ही दाग दिए और क्लीन बोल्ड भी हो गए, बहुत बढ़िया। 1929 का लाहौर सत्र का अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ 1929 लाहौर सेशन, जल्दी बताओ क्या होगा। तो 1929 कितने सवाल बनेंगे? पहला जेएल नेहरू,
लाहौर रावी नदी के किनारे पुण्य स्वराज पहली बार झंडा फहराया गया, यही डिसाइड किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पहली बार 26 जनवरी को मनाया गया, पहली बार 26 जनवरी को मनाया गया। तो आप ये देख सकते हो कि कितनी क्वेश्चन बनेंगे, कितने क्वेश्चन बनेंगे। आगे, किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। किसे कहेंगे? कोलकाता, कोलकाता जिसकी स्थापना किसने की? जॉब चार्नक ने, जॉब चार्नक ने की है। तो किसे किसे मिला के? गोविंदपुर, गोविंदपुर, सूतानाटी, सूतानाटी और कालीकट, और कालीकट। वो कालीकट केरल वाला नहीं, यहां पे है, ठीक है। तो ये तीन क्षेत्र को मिला के कलकत्ता बनाया गया। जॉब चार्नक ने स्थापना की महलों का शहर, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय, जहां पे आप ईडन गार्डन देखते हो, ईडन गार्डन स्टेडियम। लेकिन ईडन पार्क स्टेडियम जब होगा, ईडन पार्क, तो ये न्यूजीलैंड जाएगा। कहां? न्यूजीलैंड जाएगा, याद रखना, न्यूजीलैंड जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? आगे, भूपेन हजारिका किस राज्य की है? तो आपको पता है, भूपेन हजारिका की बात करें, असम, भूपेन हजारिका ब्रिज, धौली सादिया ब्रिज, धौली सादिया ब्रिज जिसे भूपेन हजारिका ब्रिज कहते हैं, 9.16 किलोमीटर, ठीक है। 2019 में इन्हें भारत से सम्मानित किया गया, तीन लोगों को, किसे किसे? तो आप प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, ठीक है। अब एक बता दो, कौन है? भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, तीसरे व्यक्ति कौन है? तीसरे व्यक्ति कौन है? तीसरे व्यक्ति कौन है जिन्हें मिला था भारत रत्न? तीसरे व्यक्ति बताओ जल्दी, कौन है? आगे, यूरोपीय संघ का मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपीय यूनियन, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपीय यूनियन, जल्दी, ब्रह्मपुत्र नदी पर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ बच्चे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय की बात करिए, पूरी कहानी, ब्रसेल्स, बेल्जियम। आयोग का अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर लियन। संसद, जो यूरोपीय संसद है, नानाजी देशमुख, बहुत बढ़िया, जो यूरोपीय संसद है उसके अध्यक्ष डेविड सासोली। देखो, भूलना मत, ये जरूर पूछेगा सवाल, आप याद करके जाओगे, यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष वो पूछेगा, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, और यूरोपीय परिषद की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो पुर्तगाल कर रहा है। कितने कंट्री हैं? 27 कंट्री हैं। कितने कंट्री हैं? 27 कंट्री हैं, याद रखना, कितने? 27 कंट्री हैं, ठीक है भाई। आगे, पंजाब का राजकीय पशु, अब देखो मेरी बात समझ लो गौर से, 28 राज्य का स्टेट एनिमल देख लेना, क्योंकि आज वाले पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में दो राज्यों के स्टेट एनिमल पूछा है, पंजाब और राजस्थान। क्यों? दोनों चिपके हुए राज्य हैं, दोनों चिपके हुए राज्य हैं, पंजाब और राजस्थान, और दोनों के दोनों किससे सटते हैं? दोनों के दोनों पाकिस्तान से टच करते हैं, यानी पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। क्लियर है? तो अब ये आपको देख कर जाना पड़ेगा, ये आपको अब देख कर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये है क्या, ये समझते हैं क्या? ये ब्लैक, ओहो, माय मिस्टेक भाई, अच्छा, ब्लैक बक। अब ये क्या है? ब्लैक बक नहीं है, ये है फ्लावर, फूल, गैलेडियोलस। क्या ये? गैलेडियोलस। ये क्या है? गैलेडियोलस। फूल है ये, अरे बात समझ में, काला हिरण है, लेकिन फूल क्या होगा यहां का? अब देख सकते हो पूरी कहानी, राजधानी चंडीगढ़, लार्जेस्ट सिटी लुधियाना, डिस्ट्रिक्ट 22, गवर्नर बीपी सिंह बदनोरे, चीफ मिनिस्टर अमरजीत अमरिंदर सिंह, जो सबसे ओल्ड एज, सबसे बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग,
अरे बात समझ में, ब्लैक बक पक समझना, ये फूल, अरे भाई मेरे ये फूल है, फूल राजकीय फूल, राजकीय फूल है समझना, ये मत समझना सर जानवर का फोटो लगा दिया क्या आपने। ठीक है, अब देखो जो विधानसभा सीट है 117, लोकसभा 13, राज्यसभा 7, जो वहां की डांस है वो भांगड़ा और गिद्धा, भांगड़ा मेल गिद्धा फीमेल, और बर्ड पक्षी बाज, फूल गैलिडोलस, और सीसम वृक्ष है, सीसम वृक्ष है। अगर मजा आ गया तो लाइक ठोक देना जरा। हमें एक चीज नहीं समझ में आता डिसलाइक वालों, भैया क्लास भी करते हो डिसलाइक भी ठोकते हो यार, अगर ना समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दो सर आपका पढ़ाने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया, या फिर आपके पढ़ाए हुए सवाल नहीं आते हैं, बिल्कुल डिसलाइक करिए आपका अधिकार है, लेकिन रीजन तो बता दो भाई। जाते हो शादीवादी करने के लिए, मुझे लड़का पसंद नहीं है, रीजन बताओगे कि नहीं बताओगे, ऐसा ही बोल दोगे तो पता क्या समझेगा, अच्छा जरूर कुछ चक्कर है उसका इसीलिए पसंद ना कर रहा है, कारण तो बता दो कि ऐसे ही। ऑस्कर अवार्ड 2020 में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो कौन, जल्दी जरा बता दो। ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म कौन है? और एक चीज देखो, एक चीज मेरा मानना है कि जो दूसरों के लिए ताली बजाता है ना, पूरी दुनिया उसके लिए ताली बजाती है, ये हमेशा याद रखना कि जो हम बोते हैं वो हमें लौट कर आता है, वो हमें लौट कर आता है बिल्कुल। तो ऑस्कर अवार्ड की बात करें भाई, कौन है? पैरासाइट। कौन है? पैरासाइट, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, आगे देखो, आजादी के बाद पहला बजट किसने पेश किया था, स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने पेश किया था, बताओ। ये सवाल कई बार पढ़ाया ना पढ़ाया, अब अपने पीडीएफ उठा के देख लेना, अब अपने पीडीएफ उठा के देख लेना, जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी। तो आजादी के बाद की बात करें, देखो दो चीजें हैं सामने, स्वतंत्रता के बाद पहला बजट आर के सन्मुखम चेट्टी, और अगर कहता है कि अंतरिम बजट किसने पेश किया, अंतरिम बजट, अंतरिम बजट, तब लियाकत अली, लियाकत अली। और मैं केवल रिव्यू नहीं दे रहा हूं, एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताकर आगाह कर रहा हूं कि आपकी तैयारी ऐसे रखनी होगी, आपको तैयारी ऐसे रखनी पड़ेगी। तो लियाकत अली, और मजेदार चीज कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो दो देशों का बजट पेश किया, भारत का 1946 का अंतरिम बजट में और पाकिस्तान में भी, क्योंकि पाकिस्तान में वित्त मंत्री नहीं, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बजट पेश करता है। अब अगर सवाल आता है कि संविधान लागू होने के बाद कौन बजट पेश किया पहली बार, तो जॉन मथाई। क्यों? क्योंकि 1948 से 1 जून 1950 तक इनका कार्यकाल रहा है। क्लियर है? आ रही बातें समझ में? क्लियर है भाई? एक चीज और समझना, पहली महिला इंदिरा गांधी है ना। आगे देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत किस स्थान पर है? भाई कल पढ़ाया है मैंने सुबह 9 बजे वाईफाई स्टडी पे। बताओ मेरे ऑब्जर्वेशन, मैंने कहा था कि अब इसी पे पड़ेगा, मैंने बताया था आपको कि अब रैंकिंग और इंडेक्स पर पड़ेगा, देख लो सामने है, फिर भी बच्चे ना मानेंगे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत के स्थान की बात करें, 2019 में 77, 2020 में 63, 2020 में 63, और न्यूजीलैंड टॉप पे है, लगातार न्यूजीलैंड टॉप पे है लगातार। आगे, आईसीजे का मुख्यालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहां है, जल्दी जल्दी। तो भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, द हेग इसका मुख्यालय है, यहां न्यायाधीश जो अवधि है, टेन्योर है वो 9 साल, स्थापना 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में यूएसए, और हेग नीदरलैंड, और पदों की संख्या 15, दलवीर भंडारी याद रखना, दलवीर भंडारी पहले। ठीक है, आगे देखो,
लाइफ ऑफ पाई कवर के लेखक, लाइफ ऑफ पाई कवर के लेखक की बात करें तो ये कौन है, यान मार्टेल। कौन भाई? यान मार्टेल, जिनको बुकर अवार्ड मिला है, जिनको बुकर अवार्ड मिल चुका है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है, यान मार्टेल। हरेला उत्सव कहां मनाया जाता है? हरेला उत्सव इज सेलिब्रेटेड, हरेला उत्सव कहां मनाते हैं जल्दी, हरेला उत्सव कहां मनाया जाता है? शुभम क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि पीछे लौटना संभव नहीं है, कहां 30 पे है, कहां 9 पे थे, आपको जो प्रॉब्लम है ना आप कमेंट बॉक्स में डाल देना बच्चे, ठीक है। तो ये मनाते हैं कहां पे? भारत के उत्तराखंड राज्य में, भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से उत्तराखंड, मुख्य रूप से उत्तराखंड, ठीक है, मुख्य रूप से कहां? उत्तराखंड, याद रखना, ठीक है भाई। आगे देखो, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर का 2 से 3 लेक्चर दिया था मैंने स्पेशल क्लास में, अगर आप ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता होगा, एक भी सवाल बाहर नहीं पूछा है उस पार्टिकुलर 3 लेक्चर से। तो इनपुट डिवाइस की बात करें, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, कैमरा, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन्स, देयर आर इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की बात करें, जो आप सामने दिख रहे हैं स्क्रीन, या आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आगे देखो, किसमें कोशिकाएं गल या खत्म हो जाती है, यही हिंदी है, यही सवाल पूछा है, कोशिकाएं किसमें गल या समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्या होगा? सवाल नंबर 32, जल्दी बता भाई। भाई हमारे स्पेशल क्लास जरूर ज्वाइन करिए, बहुत फायदा होगा, बिल्कुल। तो कोशिकाएं किसमें गल जाती है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग, क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। इसीलिए लिखा कि कोशिकाएं गल या खत्म हो जाती है, कोशिकाएं गल या खत्म हो जाती है, बिल्कुल, थोड़ा सा घुमाया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है भाई। जो एंजाइम इसमें पाया जाता है उस एंजाइम का नाम क्या? हाइड्रोलाइटिक, याद रखना, ठीक है। आगे, वान डी वास का युद्ध, देखो सच्ची सच्ची बताना, नहीं पढ़े हो, वान डी वास का युद्ध बताओ, वान डी वास का युद्ध, जल्दी। वान डी वास के युद्ध की बात करें, अब ये पूरी कहानी धुंधला दिखेगा लेकिन समझ जाना, वान डी वास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ, कब हुआ? 22 जनवरी 1760 को। वान डी वास कहां है? तमिलनाडु, भारत। किसके किसके बीच हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। तो सर सेनापति कौन था? तो आयरकूट अंग्रेज सेनापति, और काउंट डी लाली फ्रांसीसी सेनापति। क्लियर है भाई? देख लो आपके सामने वान डी वास का युद्ध। फिर से कहेंगे कि आज रात 9:05 पे स्टैटिक जी के 50 सवाल है कहां? अनअकैडमी पे। अभी आप जितना रिवीजन कर सकते हो, नया पढ़ने की कोई जरूरत ही ना है, बिल्कुल याद रखना, जितना आप रिवीजन करिए उतना आपके लिए बेटर होगा। ना समझ में आता है तो मेरे रिवीजन क्लास में ज्वाइन करो, लेकिन जरूर पढ़ो, ठीक है भाई। आगे देखो, पंबन आइलैंड कहां है? वेयर इज पंबन आइलैंड, पंबन द्वीप कहां है? जल्दी, पंबन आइलैंड की बात करें कहां है, तो पंबन आइलैंड की बात करें कहां? तमिलनाडु। तो पंबन आइलैंड देखो, यहां ये पंबन आइलैंड है, ये पाक स्टेट है, ये रामेश्वरम है, ये कन्याकुमारी है, पूरी कहानी तो यही है। क्या हो गया भैया?
जिनका भी एग्जाम कल है, अरे यार तो फिर काहे परेशान हो, मस्त गाना सुनो ईयरफोन लगा के, सो जाओ आराम से, क्योंकि भरपूर नींद लेना जरूरी है। मत प्रेशर लो, प्रेशर लोगे वहां सब भूल जाओगे, नाम तक भूल जाओगे, ये स्थिति होता है एग्जाम हॉल में। इसीलिए दिमाग पे बिल्कुल जोर मत लीजिए, क्योंकि यार 2 साल तक पढ़ा है आपने, 2 साल तक पढ़ा है ना, फिर सोच रहा क्या, टेंशन क्या लेना, देख रहे हो सवाल बिल्कुल कहीं से कुछ है ही नहीं, कोई लेवल ही नहीं सवाल का, जो आप पढ़े हो वही तो आ रहा है, तब सोचना क्या है। आगे देखो, भूटान के पीएम कौन है, भूटान के पीएम की बात करें क्या होगा, ये देखो पूरी कहानी। भूटान के पीएम लोटे शेरिंग, कौन है, लोटे शेरिंग ये भूटान के पीएम है। शासक कौन है, मुनार्क कौन है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये शासक है। करेंसी कौन है, नगुलट्रम, और लैंग्वेज क्या है, जोखा, क्लियर। अब जरा बता, भूटान से भारत के किस राज्य की सीमा लगती है, जल्दी, भूटान से भारत के किस राज्य की सीमा लगती है, फिर से मैं बता दूं, भूटान से भारत के किस राज्य की सीमा लगती है, देख कितने लोगों को पता है, जल्दी। राजस्थान का राजकीय खेल, देखो पूछा है क्या मैंने बोला कि जो 28 राज्य हैं, अब उसके स्टेट लेवल पे पड़ा है। जैसे एमपी का राजकीय खेल की बात करें तो मलखंब, क्या ये मलखंब, एमपी का राजकीय खेल मलखंब है। तो राजस्थान का क्या होगा, राजस्थान का है बास्केटबॉल, क्या ये बास्केटबॉल, क्या है बास्केटबॉल। आंध्र प्रदेश सिक्किम, अच्छा ओके ओके, तिरंदाजी नेशनल गेम है, बहुत बढ़िया। वेस्ट बंगाल कहां भेज दोगे, वेस्ट बंगाल ना लगता है। आगे देखो, राजस्थान के राजकीय खेल की बात करें तो गेम बास्केटबॉल, ट्री खेरजी खेजड़ी, रोहिडा फ्लावर, बर्ड गोडाउन, घूमर डांस, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा 10, विधानसभा 200, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, कलराज मिश्र गवर्नर, ये आपके सामने, ठीक है, आई बात समझ में, वेस्ट बंगाल लगेगा, ओके ओके, चलो देखेंगे अभी देखते हैं, बात करते हैं आपसे, हम्पी किस भगवान से संबंधित है, जल्दी बताओ क्या होगा। अरे मान तो लिया मैंने, देखो तो हम्पी किस भगवान के, विष्णु भगवान से संबंधित है। हम्पी की सबसे मशहूर जगह, पत्थर का बना एक बड़ा सा मंदिर है, देख रहे हो जो रथ की तरह लगता है, या विष्णु भगवान मंदिर, विष्णु के भगवान वाहन गरुड़ को समर्पित है, विरूपाक्ष टेम्पल है यहाँ पे, विरूपाक्ष टेम्पल जो विष्णु को समर्पित है, जो किस पर, 50 रुपये नोट पर है, किस पे है, 50 रुपये नोट पर आपके सामने है, 50 रुपये नोट पे आपके सामने, ठीक है। आगे देखो, व्हाइट हाउस किस देश में है, ये सवाल है आपके, व्हाइट हाउस किस देश में है, तो व्हाइट हाउस क्या पूछना भैया, अभी तो एक साहब थे मोह माया में फंसे कि व्हाइट हाउस से निकल भी ना करेंगे व्हाइट हाउस से, अरे वही अपने चचा डोनाल्ड ट्रंप चचा, समझ रहे हो। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पहले राष्ट्रपति जो व्हाइट हाउस में रहने के लिए जगह का चयन किया वो जॉर्ज वाशिंगटन 1791 में। सर इसने बनाया किसने, तो ये बनाया है जेम्स होबन ने, किसने जेम्स होबन ने, याद रखना, किसने बनाया बच्चे,
जेम्स होबर्न ने बनाया, बिल्कुल याद रखना। आगे मैं बात करूं तो आगे देखना, यह व्हाइट हाउस है, खूबसूरत जबरदस्त शानदार, यह आपके व्हाइट हाउस है, खूबसूरत जबरदस्त शानदार। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहीं से अपने चचा डोनाल्ड ट्रंप चचा निकलना नहीं चाह रहे थे चुनाव में हारने के बाद। भैया कौन निकलना चाहता है ये बताओ, इतने शानदार बिल्डिंग, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, कौन निकलना चाहेगा? नहीं। आगे देखो, टोक्यो किसकी राजधानी है? ओए होए क्या पूछते हो यार, जब स्कूल लाइफ में थे एग्जाम में पूछा टोक्यो किसकी राजधानी है, मैंने टीचर से पूछा सर टोक्यो किसकी राजधानी है, गुस्सा गया टीचर, बोला टोका सो टोका, दोबारा मत टोकना। भाई क्यों टोकेंगे, मुझे पता चल गया टोक्यो राजधानी है, तो टोक्यो किसकी राजधानी है बताओ जरा, जापान की। किसकी? जापान की। किसकी? जापान की। ऐसे सवाल कौन पूछता है बताओ ना, ऐसे सवाल कौन पूछता है? होन्सू, होन्सू आइलैंड पे, किस पे? होन्सू आइलैंड पे है। इलेक्ट्रॉन के लिए 1906 में नोबेल किसे मिला है? Who got Nobel Award for Electron in 1906? जल्दी बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा बच्चे? इलेक्ट्रॉन के लिए 1906 में नोबेल, आपको पता है जे.जे. थॉमसन, जिसने खोजा उसी को तो मिलेगा, राम कुक ने खोजा श्याम को थोड़ी मिलेगा, तो किसने? जे.जे. थॉमसन ने। सीधा सवाल था, यानी क्या कहा? ईट पर नाच दिया, नाचो, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, लेकिन बेचारा गोल्डस्टीन खोज के रह गया, कुछ हासिल हो नहीं पाया, किसको हासिल हुआ? रदरफोर्ड को। किसे हासिल हुआ? रदरफोर्ड को हासिल हुआ, बिल्कुल याद रखना। ठीक है भाई, वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? देखो कितने बार पढ़े हो मेरे से, किस अधिवेशन में गाया गया था? दो चीजें हैं, या तो ये ईयर पूछेगा, या तो पूछेगा कि भाई कहां गाया गया था, तो दो चीजें हैं, वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया? रहमतुल्ला सयानी, रहमतुल्ला सयानी, रहमतुल्ला सयानी ने। अगर यही हम बात करें 1911 की, जो ये भी कलकत्ता में था, जहां पर नेशनल एंथम गाया गया, क्या गाया गया? नेशनल एंथम, नेशनल एंथम गाया गया, वंदे मातरम, आनंद मठ बंकिमचंद चटर्जी, जबकि नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर, ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष, याद रखेगा, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष, याद रखना, पहले बद्रुद्दीन तैयब जी थे 1887 मद्रास अधिवेशन में। ठीक है, आगे, गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ, ये आपके सामने बताओ, कितना आसान पूछा है। तो गूगल के सीईओ की बात करें, सुंदर पिचाई, कौन? सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। ठीक है भाई, आगे, दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया बताओ? तो दिल्ली को राजधानी 1911 में बनाया गया लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, ये कौन थे? वायसराय थे। ट्रांसफर कब हुआ? 1912 में ट्रांसफर हुआ, 1912 में ट्रांसफर हुआ। 1911 में और क्या हुआ? बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, और क्या हुआ? बिहार अलग हो गया, किससे? बंगाल से, इसमें उड़ीसा भी शामिल था। दिल्ली दरबार हुआ था, दिल्ली दरबार हुआ था, और क्या हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया की फाउंडेशन पड़ा था, गेटवे ऑफ इंडिया
कब फाउंडेशन पढ़ा था यार? मजा आता है तो लाइक ठोको ना, कम से कम मजा आता तो लाइक ठोक दो। बिल्कुल बताओ, इतना कुछ पूरी कहानी कह देते हैं कि एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़ कर आओ, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ कर आओ। जॉर्ज पंचम आता है, क्वीन मेरी आती है, मेरी नहीं जॉर्ज पंचम की, ठीक है? क्लियर है भाई? गांधी स्टेडियम कहां है? वेयर इज गांधी स्टेडियम? जल्दी, गांधी स्टेडियम कहां है? ग्यारह बारह दोनों होगा तो क्वेश्चन आएगा कि कब बनाया गया और कब घोषणा हुआ 11 और कब लागू हो गया पूरी तरीके से, तो 1912 से, ठीक है? तो गांधी स्टेडियम कहां भाई? जालंधर, पंजाब। कहां पे? पंजाब जालंधर, पंजाब जालंधर, हैदराबाद सब लगा दो, जालंधर छोड़ के सब बता देना, जालंधर छोड़ के सब बता देना, जालंधर ना बताना। जौनपुर सर किसने बसाया? आज मैंने पढ़ाए हैं सुबह 9 बजे वाले क्लास में, सॉरी 10 बजे वाले क्लास में, जो 40 में 40 कराते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सुबह देखो हमारे स्पेशल क्लास कितने जरूर ज्वाइन करिए, जो सुबह 8 बजे चैप्टर वाइज कराते हैं, ये एसएससी सेक्शन में मिलेगा। एसएससी एग्जाम अपने गोल सेलेक्ट करना है ये 8 बजे, फिर 10:05 पे ये स्पेशल रेलवे के लिए 40 में 40, फिर 5:40 में और फिर 9:05 में, इतने लेक्चर देते हैं आपको फिर भी आप आते ही नहीं हो। तो किसने, आपको याद होगा कि फिरोज शाह तुगलक FST ने, जिसे पूर्व का सिराज कहते हैं, पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहते हैं, या सिराज हिंद, किसको समर्पित किया? मोहम्मद बिन तुगलक को। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। क्या था? जौना खां। क्या था? जौना खां था, याद रहेगा। क्या था? जौना खां था, ठीक है भाई। फेयर लवली के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फेयर लवली के ब्रांड एम्बेसडर, अब नाम बदल गया, अब निखार दिखेगा, देखते नहीं हो? फेयर लवली के ब्रांड एम्बेसडर यामी गौतम। कौन है? यामी गौतम। और फेयर एंड हैंडसम शाहरुख खान। हाँ तो यही सब तो है, ये सब तो कम से कम याद रखो, ये सब तो याद रखो, ठीक है? दस बार एवरेस्ट पर कौन चढ़ा है? दस बार एवरेस्ट पे कौन चढ़ा है विदाउट ऑक्सीजन सप्लीमेंट्री के रूप में? सोचो, ऐसे ऐसे पूछ रहा है, मैं पढ़ाऊंगा तो पता क्या कहोगे? अरे सर ये सब ना आएगा। खुद से सेटर बन जाओगे, खुद से सेटर बन जाओगे, अब निखार दिखेगा, ठीक है? तो 10 बार एवरेस्ट पे कौन चढ़ा था? ये साहब हैं, आंग रीता शेरपा, आंग रीता शेरपा, ये साहब हैं जो 22 दिसंबर 1987 को पहली बार सर्दियों में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला व्यक्ति, पूरक ऑक्सीजन के बिना, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बिना चढ़ने वाला। क्या बात है यार! और ये क्यों सवाल बना? क्योंकि 22 दिसंबर 1987 को चढ़ा और इनकी 22 या 23 दिसंबर 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। 2020 को दिसंबर के महीने में इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए ये सवाल बना है, इसीलिए सवाल बना है, ये बिल्कुल याद रखना। तो नाम क्या उसका? आंग रीता एक शेरपा, एक नेपाली पर्वतारोही, जिन्होंने 1983 और 96 के बीच में पूरक ऑक्सीजन के उपयोग के बिना 10 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है, 10 बार चढ़ा है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? आगे देखो, दक्षिण अफ्रीका की करेंसी क्या है? दक्षिण अफ्रीका की करेंसी याद होगा, पहले इसकी कैपिटल पूछ चुका है, पहले कैपिटल पूछ चुका है, तो क्या होगा भाई? रैंड। करेंसी क्या है? रैंड। अब आपके सामने राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा।
राष्ट्रपति, मत बोलना सर नहीं बताया, प्रिटोरिया कार्यकारी राजधानी, केपटाउन विधायी राजधानी, ब्लॉमफोन्टीन न्यायिक राजधानी। बिल्कुल याद रखना, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव, केपटाउन लेजिस्लेटिव और ब्लॉमफोन्टीन जुडिशियल। बिल्कुल आंध्र प्रदेश की तरह, जैसा आंध्र प्रदेश की तीन कैपिटल हैं, आंध्र प्रदेश की तीन कैपिटल है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, आगे द्वैत शासन किसने समाप्त किया था, द्वैत शासन किसने समाप्त किया, वारन हेस्टिंग ने समाप्त किया। हो सकता है आगे सवाल पूछे किसने लाया, रॉबर्ट क्लाइव ने लाया, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी और वारन हेस्टिंग्स 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और इसने हटा दिया, इसने हटा दिया, पहला गवर्नर जनरल इसने हटा दिया, याद रहेगा, याद रहेगा, वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, याद रखना कि किसने लाया, तो रॉबर्ट क्लाइव लाया, किसने हटाया ये याद रखना। और कल सुबह भी क्लास है आपकी, कितने बजे, सुबह 9 बजे इसी चैनल पे, वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे। अगर समझ में आ गया तो थंब दिखा देना, बिल्कुल सर बिल्कुल, सुबह 9 बजे। ठीक है, आगे देखो, ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक लॉ कब लॉन्च की गई है, ओलंपिक लॉ कब लॉन्च की गई है, जल्दी आप देखना पुराने पीडीएफ, क्या रोहित सर ने यह सवाल कराया था नहीं कराया था, पुरानी पीडीएफ उठा के देखो क्या यह सवाल मैंने कराया है या नहीं कराया है, बताओ क्या होगा। हाँ, जिस पर महाभियोग चला, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए पंकज बताओ क्या होगा। तो ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक लॉ कब लॉन्च की गई, 1928 एम्स्टर्डम, जो भारत पहली बार हॉकी में गोल्ड जीता था, हॉकी में गोल्ड जीता था नीदरलैंड, और लास्टली कब जीता, 1980 में, कहां, मॉस्को, 1980 में मॉस्को, 80 में मॉस्को। ठीक है, आगे फतेहपुर सिकरी किसने बनाया, हे भगवान क्या चाहता है, फतेहपुर सिकरी से प्रेम हो गया बिल्कुल सेंटर को, फतेहपुर सिकरी किसने बनाया भाई, जिसने बनाया कितनी बार पूछोगे, अकबर ने बनाया, अपनी कैपिटल चेंज करता है कहां से, दिल्ली से, ये कहां है, आगरा में, गुजरात विजय के उपलक्ष में, गुजरात विजय के उपलक्ष में, है ना, गुजरात विजय के उपलक्ष में, आई बात समझ में। नीति आयोग के पहले सीईओ बता चुके हैं, पहले सीईओ सिंधुश्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर, और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, है ना। आगे हिमाचल प्रदेश डे कब मनाते हैं, हिमाचल प्रदेश डे कब मनाते हैं, जल्दी हिमाचल प्रदेश डे की बात करें, कब मनाते हैं हिमाचल प्रदेश डे, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश डे सेलिब्रेट किया जाता है, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश डे सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर मैं पूरी कहानी की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो जयराम ठाकुर जो बीजेपी है, ठीक है, जयराम ठाकुर जो बीजेपी है, यूनियन विधानसभा 68, राज्यसभा 3, लोकसभा 4, पक्षी की बात करें तो ट्रगोपैन, फ्लावर की बात करें रोडोडेंड्रोन, और फ्रूट की बात करें सेव, और वृक्ष की बात करें देवदार, वृक्ष की बात करें देवदार। ठीक है, ये याद रख लेना बिल्कुल, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए देते जा रहे हैं ताकि विधानसभा लोकसभा राज्यसभा बिल्कुल ना भूलो। ठीक है, आगे प्रकाश तरंग की गति की गणना किसने की बताइए, ये भी पढ़ाया कई बार, आपको पता है कि लाइट कैन को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है, तो प्रकाश तरंग की गति की गणना किसने की थी भाई, रोमर ने, किसने किया, रोमर ने किया है, किसने किया, रोमर ने किया है, किसने किया भाई, रोमर ने किया, बिल्कुल याद रखना। ठीक है,
तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि मजा आया होगा, काफी कुछ सीखा होगा। अभी देखो मेरी क्लास कहां है, 9:05 पे स्टैटिक जीके अनअकैडमी पे। कहां पे? अनअकैडमी पे। तो ज्वाइन जरूर करिए बच्चे, बहुत फायदा होगा। और ये 50 सवाल करवाएंगे स्टैटिक जीके, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी पर आधारित, ठीक है? तो कितने? 50 सवाल स्टैटिक जीके के। कितने? 50 सवाल। जुड़ना जरूर, ठीक है भाई? समझ में आया, मजा आया यार? लाइक ठोक के जाते, जितने सारे बच्चे लाइक ठोक के जाते तभी तो फिर मुझे मजा आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम लाइक तो दिखे, ठीक है भाई? और अगर जिनकी तैयारी आधी अधूरी है ग्रुप डी के लिए या सेमेस्टर 2 के लिए, तो ये बैच को जरूर ज्वाइन करें, रेफरल कोड BA BA10 लगाकर। और अगर आप SSC की तैयारी करते हैं या स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, JPSC BPSC कोई भी एग्जाम हो, तो दिस पार्टिकुलर सेशन यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो इस पार्टिकुलर सेशन में। इसके साथ साथ फायदा क्या होगा आपको? फायदा होगा कि जितने भी SSC के बैच चलते हैं यहां, सारे के सारे आपको मिलेंगे देखने को, सारे बैच मिल जाएंगे बिल्कुल, रेफरल कोड BA BA10 लगाकर, 10 लगाकर, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे, कहां पे? वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल, जहां पे अभी आप आए हो। बस लाइक करने मत भूलना, टाइम याद रखना, सुबह 9 बजे। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अपना